आज बसंत पंचमी को कैसे सेलिब्रेट किया आपने? बसंत पंचमी बच्चे लोग अपने से आए, सारे अच्छे से मतलब पूजा पाठ किए खुद से ही, सब कुछ अपने से। बच्चे लोग का इच्छा था कि सरस्वती माँ को लेकर के कि जो है उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए, और बहुत अच्छे ढंग से सब कोई पूजा पाठ किए। क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चों को आज? संदेश हम लोग यही देना चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़े, पूरा सारे चैप्टर को पूरा अच्छा से बाइफर्केट करके एक एक करके देख ले, और सारे टॉपिक को पूरा पढ़े। उसके बाद उसका रिवीजन करना भी जरूरी है। रिवीजन करने के लिए 12th के खास करके बच्चे को मैं कहना चाहूँगा, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, वो चैप्टर वाइज पूरा अच्छा से रिवाइज कर लें। अगर बच्चे रिवाइज नहीं करेंगे तो वो चीज़ वो फिर से लिख नहीं पाएंगे अगर परीक्षा में आ जाते हैं। तो उसको अच्छा से रिवीजन करना बहुत जरूरी है। पहले टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज पूरा अलग अलग करके पूरा सारे चैप्टर को देख लें सारे सब्जेक्ट में, और उसको उसी हिसाब से पढ़ के और रिवीजन कर लें अच्छे से। अच्छा, आज के दिन कहा जाता है कि किताब को सरस्वती माँ को चढ़ाया जाता है इसलिए छुआ नहीं जाता, तो बच्चों को इससे क्या सलाह देना चाहते हैं आज? उन्हें किताब छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए? किताब तो छूना ही चाहिए, मेन तो कर्म ही है, तो पूजा तो है ही, लेकिन किताब तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और हर एक एक दिन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर इसी नाम से अगर एक दिन बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो वो बाद में बहुत अफसोस होता है, इसलिए पढ़ाई तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पूजा पाठ तो श्रद्धा है, ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माता की जय, सरस्वती माता की जय। कैसे सेलिब्रेट किया आज आपने सरस्वती पूजा? बच्चों का पर्व है, यही मन्नत है कि बच्चे अच्छे नंबर लाए, उनको अच्छे एजुकेशन दे सके और बोकारो का नाम ऊपर कर सके। जितने अच्छे एजुकेशन देंगे उतनी अच्छी रिजल्ट आएंगे, और इससे बोकारो का भी नाम होगा, मन्नत यही है। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों का मैसेज, अब वो और मेहनत करें, हम अपनी तरफ से मेहनत करें, वो भी अपनी पूरी मेहनत करें, ताकि मिलकर दोनों बच्चे अच्छे बेस्ट रिजल्ट हम प्रोड्यूस कर सके बोकारो का। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।